की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करना। शिव कथा का भगवान शंकर का सम्मान करता है, भगवान देवर्षि महादेव का पावन चरित्र करता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर अहंकार में जब अहंकार वश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान नारायण के, भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया, तब भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले के रुद्राक्ष की माला उतार कर देवऋषि नारद के गले में दे, और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपने गले की माला निकाल कर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है, जिसको देवाधिदेव महादेव नहीं जीता। ये हमारा अभिमान, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान था, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया। जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा, तो लग जाएंगे बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान था। उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बना कर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा था बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, और आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि रावण विद्यावान। लोग कहते हैं विद्वान था, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से भी हो जाता है। अपन बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझ में कहीं ना कहीं उसको अहंकार फंसा हुआ। अब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। अब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने आ जाएगा, पर जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में करते विद्यावान उन्हीं का कीर्तन। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला, हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति। अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है, और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है, और वात्सल्यता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान को कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता है। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है, वो विद्वान